यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शेष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय, सतगुरु श्री राम सूरत साहिब की जय, सतगुरु श्री विलास साहिब की जय। गुरु की महिमा कैसा होता है, जैसे अभी साखी बताया, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। यह शरीर है, सबका शरीर जो पैदा हुआ है विष विषय से ही हुआ है, इसलिए विष की ही लता है, ये शरीर है। लेकिन गुरु अमृत की खान, गुरु सदगुरु होते हैं, वो अमृत की खदान है। कोई तर्क कर सकता है क्या गुरु का शरीर माँ बाप से नहीं हुआ है, अमृत की खान से हुआ है? अमृत कहाँ है? तर्क कर सकता है। जैसे एक फल होता है जिसका नाम कोइचला कहते हैं, कोइचला जहर, कोइचला जरा भी कोई भी खा लेगा तो मौत ही मौत है। लेकिन उसी जहर कोइचला को उसको जला करके, शोध करके, दूध में पका करके अमृत बनाया जाता है, फिर खाइए तो आपका असाध्य से असाध्य बीमारी दूर हो जाएगी। अमृत की खान। उसी प्रकार से गुरु और सदगुरु का जो जीवन कैसा होता है, उन्होंने अपने आप को खूब शोधा है। अमृत क्या, जहर क्या है? जैसे अभी साहेब ने बताया, काम क्रोध और लोभ, काम क्रोध और लोभ यही जहर है, और इसी से ये विष के लता तैयार होता है। और सदगुरु ने इन तीनों पर विजय पा लिया, अमृत के खान हो गया, उनके जीवन में रंच मात्र भी ये रहता नहीं है। इसलिए वो गुरु नहीं, गुरु है वो अमृत के खजाना है। इसलिए हमारे आश्रम के जो दानदाता भक्तवर बिसौहा राम जी आज नहीं है, आज उसके परिवार के सदस्य भी नहीं हैं, केवल डॉक्टर जी आए हैं, और उनके परिवार में गृह प्रवेश रायपुर में था इसलिए सब चले गए हैं। तो वे भक्तवर बिसौहा कहते थे, बेटा हो, यदि मुझे गुरु न मिले होते तो मैं धीवर जाती कहूँ, धीमर, मैं कहाँ रहता आज, और इतनी संपत्ति कहाँ से बनाता, मैं डबरा खोज का ही भटकता रहता। धीमर के काम क्या है? शौखी लेकर के यहाँ वहाँ भटकते रहना, वही काम करता। और इतने धन और जन संपत्ति बढ़ा है, गुरु की कृपा है। इसलिए सूखी रोटी खा लेना, लेकिन गुरु के शरण को नहीं छोड़ना, ये उनका उपदेश है। अपने लंबी आयु पाया और अपने माता पिता के वर्णन किया, यदि मेरे माता पिता इन गुरुओं के शरण नहीं लगाए होते, पता नहीं कहाँ भटकता। यह शरीर भी, ये मेरा शरीर है, यदि गुरु न मिले होते तो क्या यहाँ पर बैठने के अधिकारी होता? कभी नहीं। गुरु की कृपा है। सदगुरु कहते, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। तो गुरु की महिमा कैसा है, एक अन्न से भी उदाहरण ले।
जैसे अन्न में सभी अन्नों में श्रेष्ठ अन्न माना जाता है चना, चना को आप फुला करके खा लीजिए, अंकुरित अन्न बना करके खाइए, घुघरी बना करके खाइए, चना तैयार है। चना को फोड़ करके खाइए, तैयार है, नुकसान करने वाला नहीं किसी दिशा में। उसका बेसन बनाइए, रोटी खाइए, भजिया खाइए, गुलगुला खाइए, कढ़ी खाइए खटाई में, इतना नहीं बढ़िया बूंदी बना करके भाई खाइए, खट्टा मीठा चरफरा सब में चना राजी है। ऐसे ही सर्वगुण संपन्न सदगुरु की है। जो चंद्र जैसे गुरु पूर्णिमा अषाढ़ पूर्णिमा को माना जाता है, तो गुरु पूर्णिमा आज नहीं है, लेकिन यहाँ के समिति के सदस्यों का निर्णय हुआ, नहीं जिस दिन सत्संग होता है 1 तारीख को, उसी तारीख को ही बैठेंगे, बार बार आ नहीं पाएंगे। किसी ने तर्क किया, नहीं आज तो गुरु पूर्णिमा नहीं, गुरु पूर्णिमा में होना चाहिए। ठीक है, पारखी हैं आप और हम सब, परख परख करके चलने की आवश्यकता है। और सारे मन में जो गांठी है उसको एक एक करके खोलने की आवश्यकता है। खोलते जाइए, खोलते जाइए, कोई गांठी रह ना पाए। जीवन अनमोल मिला है, गुरु के शरण में हम सब आए हैं, अब गुरु के बताए हुए रास्ता पर चलना है, तभी हमारा कल्याण होगा। रोटी धोती छाया ये जो मिला है और मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। सदगुरु अभिलाष देव का आशीर्वाद है। देखना, ये शरीर को अंतिम समझना, और ये शरीर कब छूट जाए कोई पता नहीं है। इसलिए शरीर के रहते रहते सारी इच्छा वासनाओं को दग्ध कर देना, रोटी धोती और ये छाया के चक्कर में नहीं पड़ना। ये सब घलवे का चीज है। घलवे कहते हैं पुरौनी। जैसे 1 किलो परवल लिया तो बेचने वाले से कहते हैं थोड़ा 2 मिर्चा दे देना, थोड़ा 1 डाट धनिया दे दें। उसका पैसा नहीं दिया जाता है, वो पुरौनी घलवे हैं। इसी प्रकार से हमें रोटी धोती छाया जो मिला है एक घलवे का चीज है। हम अपने रास्ता को, रास्ता से दाएं बाएं कहते हैं 72 हो गया, नांगर जोतत जोतत लोग कहते हैं 72 हो गया, इस बैल को ज्यादा भार पड़ेगा ठीक करो, तो उसको 72 कहा जाता है। ऐसे यदि हम गुरु महार्ग से 72 हो जाएंगे तो निश्चित हम 1 रोटी के लिए, 1 धोती के लिए, 1 इन जमीन के लिए तरसेंगे, मिलेगा नहीं। इसलिए गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटी है राख सके नहीं कोई। हम लोग गुरु मार्ग पढ़े हैं और यहाँ हमको जो कुछ मिल रहा है रोटी धोती गुरु की कृपा है। यदि आप सब न मिले होते, खेती करने वाले, नौकरी करने वाले, व्यवसाय करने वाले आप लोग धनोपार्जन करते हैं, आपका पसीना है चोटी से एड़ी तक बहाया है तब मिला है। यदि आप लोग देते हैं उसका मैं सही उपयोग न करता, ये जो चमक दिखाई दे रहा है वो कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। इसलिए गुरु कहते हैं गृही का टुकड़ा भला 2-2 अंगुल दांत, भजन करे ते उबरे नहीं तो फाड़ डालेगा आंत। गृहस्थी का एक तो गुरु का अनंत उपकार है, दूसरा आप सब खेती नौकरी और व्यवसाय करके
आश्रम में संत जान करके हम सबको देते हैं। यदि हम उसका फिर कहाँ ले जाए, कहीं मोह ममता में, जो माने हुए भाई भतीजा में, पत्नी बच्चे में, अथवा बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते जा रहे जाएं। एक साधु से पूछा, तुम्हारे पास कितना रुपया है जमा किए हों? आज से कम 10 साल हो गया। पूछा, उन्होंने कहा 30,000। कहाँ जमा किए हो? जीवन बीमा में। वो पैसा कब काम देगा? जब बुढ़ापा आएगा। साधु को अपना बुढ़ापा का भी विश्वास है, जीवन का विश्वास नहीं है, प्रारब्ध पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं है। आज तक हम जिए हैं और कभी रोटी धोती छाया के कम नहीं पड़ा है, तो आगे भी कम नहीं पड़ेगा। तो बैंक बैलेंस की क्या आवश्यकता? बैंक में जमा करें जो आप लोग देते हैं, अथवा परिवार में क्यों दें? तो इसलिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। Oh, that.
जी धर दो ना सौ सौ के सौ सौ Thank you.
Thank you.